हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पावर सप्लाई सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइडर का महत्वपूर्ण कितना ज़्यादा ज़रूरी है? वेल, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वोल्टेज डिवाइडर का महत्वपूर्ण कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पावर सप्लाई के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो इस वोल्टेज डिवाइडर को आप लोगों को सही तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे चार अलग अलग तरीके से डायग्राम या सर्किट ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। इस सारे फिगर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास बहुत ही हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है और उस पावर सप्लाई को आप छोटे छोटे वोल्टेज में आप डिवाइड करना चाहते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टेज डिवाइडर। और ये जो वोल्टेज डिवाइडर है ये सबसे सस्ते में हो जाती है किसी भी वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। और इसका जो ड्रॉबैक है, यानी कि इसका जो डिसएडवांटेज है या पावर लॉस है, वो बहुत ही कम है। इसलिए सभी पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, यानी कि कल जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में भी मैं आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से अलग अलग वैल्यू का जो पावर सप्लाई है हमें आउटपुट से निकलती है यहाँ से, और वो जो सारे आउटपुट निकलती है वो सारे वोल्टेज डिवाइडर के वजह से ही वो हमारा आउटपुट पे मिलता है। तो देखिए, आप किसी भी सर्किट के अंदर अगर देखने जाओगे तो जो सर्किट आपको मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे फिगर 1 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वोल्टेज इनपुट हो रहा है और इनपुट होने के बाद दो रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा जो वोल्टेज है वो आउटपुट हो रहा है, और उसके बाद तीसरा यानी कि जो बच गया है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम फिगर 2 को देखेंगे, ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हो हमारा दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दो रेजिस्टेंस के बीच में हमारा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। और तीसरी फिगर पे भी सेम वही है, लेकिन सर्किट का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो बिल्कुल सारे के सारे सेम है। उसके बाद हम फिगर 4 को अगर देखेंगे, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे हमारा जो प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट हो रहा है, और उसी के हिसाब से किस तरीके से हमारे को आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है आप देख सकते हो। आप यहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव इधर से मतलब बीच में से और नेगेटिव इधर से। तो आपको पता चल गया है कि किस किस तरीके से हमारे किसी भी सर्किट के अंदर ये हमारा सर्किट रह सकता है। तो ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी उसी तरीके से जो सर्किट बनाया गया है, अगर इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो सबसे पहले इसका आपका सर्किट डायग्राम है, यानी कि ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम है, वो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको देखना होगा कि जब इस पावर सप्लाई को डिज़ाइन किया गया था तब इसका जो सिमेट्रिक डायग्राम है वो किस तरीके से हुआ था। तो लगभग आपको मिल ही जाएगा इस तरह की जो वोल्टेज डिवाइडर है, इस तरह की का सर्किट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट है ये काम कैसे करता है, और इसका जो कैलकुलेशन और फॉर्मूला किस तरीके से होता है ये एक बार आप समझ लीजिए, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर क्यों किसी भी पावर सप्लाई के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी वैल्यू का हमारा वोल्टेज आउटपुट लेने के लिए। तो चलिए देख लेंगे। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर का जो एक्चुअल फार्मूला है वो कैसा है देख सकते हो। अगर आपको आउटपुट निकालना है तो इसके लिए आपको जो इनपुट वोल्टेज है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है R2 / R1 + R2। ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर हम प्रैक्टिकली समझाने जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। ऊपर जो मैंने आप लोगों को सर्किट दिखाया उस सर्किट को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए आपको इनपुट पे वोल्टेज देना है 5 वोल्ट, और जो R1 है, यानी कि एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला सर्किट देखिए, ये हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पे देंगे, और ये R1, ये R2, और यहाँ से हमें वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में कितना ज़्यादा मिलेगा वो किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम इनपुट पे 5 वोल्ट देंगे और R1 पे हम 1.7K का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और R2 पे हम 3.3K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, तब हमारा आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा 3.3 वोल्ट।
वो कैसे मिलेगा एक बार मैं आप लोगों को लाइव कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी आसानी से क्लियर हो जाए सारे चीज़ इस फॉर्मूला के ज़रिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज यानी कि Vin है वो 5 वोल्ट इनटू ये हमारा R2 था 1.7K, तो इस 1.7K को आपको ओहम में कन्वर्ट करना होगा यानी कि 1700 ओहम 1700 ओहम ये हो गया। और नीचे वाला हमारा जो R1 प्लस R2, तो यहाँ पे हमें R2 का वैल्यू देना है यानी कि 3300 ओहम, नीचे हमें देना है 1700 प्लस 3300 ओहम। तो इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 1000 ओहम, यानी कि यहाँ पे 5000 ओहम हमें मिलेगा और ऊपर हमें 3300 ओहम। उसके बाद ये जो दो ज़ीरो है ये आपस में इस तरीके से कट जाएंगे और ऊपर हमारा रह जाएगा 33 और नीचे 50, और इस 50 हमें यहाँ से जो हमारा 5 है इसको 10 से इसको हम कर देंगे। उसके बाद इस 3 है, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो और इस 10 को हटा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3.3 वोल्ट। तो ये हमारा आउटपुट पे ये मिलेगा। अगर हम इनपुट पे यानी कि इनपुट पे हम 5 वोल्ट देंगे, आप इस सर्किट को समझे कि अगर हमने दिया Vin यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हमने और यहाँ पे हमने दिया 1.7K का एक रेजिस्टेंस किलो ओम का और यहाँ पे हमने दिया एक 3.3K का रेजिस्टेंस और आउटपुट पे हमें 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से सभी जो वोल्टेज डिवाइडर है ये काम करता है। तो वाकई में ये हमारा काम करता है कि नहीं एक बार आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा हमारे ब्रेडबोर्ड पे। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस लिया है, एक तो हमारा रेजिस्टेंस 3.3K और एक 1.7K। तो इसको हम इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे और इसके अंदर हम 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे और इसके आउटपुट हम मेज़र करेंगे मल्टीमीटर के ज़रिए। तो चलिए हम जो आपको फिगर 1 पे दिखाया था उस तरीके से हम इस सर्किट को बनाएंगे ताकि आप लोगों को और भी समझने में आसानी हो जाए। तो ये हमारा पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई। तो इस पे हम सिलेक्ट करेंगे 5 वोल्ट। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे 5 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 5 वोल्ट सही सलामत सिलेक्ट कर दिया हूँ और अब बढ़ जाते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज प्रोवाइड कराना इस रेजिस्टेंस के अंदर, और उसके साथ साथ आउटपुट पे भी हमें वोल्टेज को मेज़र करना है, इसलिए इस मल्टीमीटर को हम यूज़ करेंगे। और इस सर्किट को किस तरीके से कनेक्शन करना है आप देख लीजिए कि इस मल्टीमीटर का ग्राउंड और इस पावर सप्लाई का ग्राउंड और ये जो हमारा सर्किट है यानी कि दो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का दो 3.3K किलो ओम का रेजिस्टेंस है, उन तीनों को आपस में जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे जोड़ा और इसका जो ब्लैक वाला पॉइंट है हम यहाँ पे जोड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा ब्लैक या रेड वाला वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम आउटपुट पे वोल्टेज मेज़र करेंगे इसका जो मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रॉब है उसके ज़रिए। तो आप मल्टीमीटर पे जरिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट मिल गया है। तो आपको पता चल गया कि वोल्टेज डिवाइडर एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो सारे चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गया। आपको प्रूफ भी दिखा दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर के जो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फिगर में जो सर्किट मैंने आपको दिखाया था वो सेम सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया कि एक 1.7K का रेजिस्टेंस और 1.3K का ना 3.3K का एक रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के इनपुट पे हमने 5 वोल्ट प्रोवाइड कराया है और आउटपुट पे हमें मिल रहा है 3.3 वोल्ट। और इस तरीके से गाइस सारे जो पावर सप्लाई के अंदर हमें अलग अलग वोल्टेजेस का वैल्यू मिलती है वो भी इसी तरीके से होता है, लेकिन इन सारे सर्किट के अंदर लोड के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि ये हमारा सर्किट है वो ज़्यादा दिन तक चले, ज़्यादा लोड पड़े तो वो सारे लोड को ये संभल सके। इसलिए इस तरह की पावर सप्लाई के अंदर अच्छे से अच्छे कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सर्किट होता है वो सारे इस वोल्टेज डिवाइडर की वजह से ही होती है। और ये जो वोल्टेज डिवाइडर के आउटपुट में वोल्टेज है और उस वोल्टेज को प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से गाइस वोल्टेज डिवाइडर को पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो
गाइस अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके कमेंट कीजिए। मैं जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।